ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार, पगली सेल अभी बाकी है। बीसीसीआई को असल में चलाता कौन है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आसान भाषा में कहें तो बीसीसीआई वो संस्था जो भारत और काफी हद तक दुनिया की क्रिकेट को कंट्रोल करती है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि पिछली लाइन के आधे हिस्से की वैधता का मैं दावा नहीं करता, ऐसा कई लोगों का मानना है। हाँ, तो ये संस्था यूं तो अक्सर ही चर्चा में रहती है, लेकिन आजकल इसके चर्चा में रहने की वजह इससे जुड़े लोगों को एकदम पसंद नहीं आ रही होगी। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को किनारे लगाया है, ऐसा दादा के फैंस का दावा है। और इस दावे पर बीसीसीआई का रुख ये है कि गांगुली को हटाया नहीं गया, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। अब बात चाहे जो हो, लेकिन सच यही है कि अब गांगुली बीसीसीआई से विदा हो रहे हैं। और इस मसले पर आई रिपोर्ट्स को देखें तो समझ आता है कि गांगुली की विदाई में कई कैरेक्टर्स का हाथ रहा है। और इन कैरेक्टर्स की बात आई तो हमने सोचा कि आज सिली पॉइंट में इसी पर चर्चा करें कि आखिर बीसीसीआई को चलाता कौन है। विपक्षी दलों की माने तो बीसीसीआई को केंद्र सरकार चलाती है। अपने इस दावे के पक्ष में वो कई दलीलें भी देते हैं और इन दलीलों में वो लोग क्या कहते हैं आपको पता है। और इतिहास देखेंगे तो कई बार लगेगा भी कि बीसीसीआई पर सरकार का प्रभाव है या फिर सरकार से जुड़े लोग सीधे तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बात सच भी है। लेकिन पूरा सच ये है कि बीसीसीआई की बात आते ही राजनीतिक दुश्मनी किनारे हो जाती है। यहाँ काम करने के लिए कट्टर से कट्टर दुश्मन पार्टियां भी हाथ मिला लेती हैं। बीसीसीआई का अभी का पैनल ही देख लीजिए। एक ओर सेक्रेटरी की पोस्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, तो दूसरी ओर वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। राजीव कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सालों से बीसीसीआई में बने हुए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ बीजेपी और एनसीपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि इसे सरकार चलाती है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि बीसीसीआई को देश के राजनेता चलाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा मैं नहीं, पूर्व सीएजी विनोद राय जी कहते हैं। ऐसे आरोप लगाने वाले भी इस देश में बहुत हैं, और ऐसे लोगों में मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा का नाम भी शामिल है। गुहा ने मिड्डे से बात करते हुए कहा था, इंडियन क्रिकेट को अमित शाह और एन श्रीनिवासन मिलकर चला रहे हैं। स्टेट एसोसिएशन किसी की बेटी तो किसी का बेटा चलाता है। बात बेटा बेटी पर आई तो जान लेना जरूरी है कि ऐसा सही में चल रहा है। तमाम स्टेट एसोसिएशंस में किसी न किसी दमदार व्यक्ति का बेटा या बेटी ही बैठे हैं, और मजे की बात यह है कि ये बेटा और बेटी लगभग हर पार्टी के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी विशेष के बेटे बेटियां ही देश या स्टेट का क्रिकेट चला रहे हैं। इस हमाम में सभी लोग साथ बैठे हैं एकदम रोमन समाज के अंदाज में। लेकिन अब चूंकि अमित शाह के पुत्र जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं और अमित भाई खुद गृह मंत्री, ऐसे में यह कहना थोड़ा आसान रहेगा कि वही देश की क्रिकेट को चला रहे हैं। लेकिन इस बात को साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई का पूरा सेटअप डेमोक्रेटिक है और वहां लगभग हर फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से ही लिया जाता है। नाम सुनकर घंटी बजी, सही बजी। ये वही श्रीनी हैं जिन्हें बहुत मुश्किल से खींच खांच कर बीसीसीआई से निकाला गया था। एक दौर में श्रीनी बहुत ताकतवर थे, भारतीय क्रिकेट लिटरली उनके इशारों पर नाचता था। श्रीनी ने कई प्लेयर्स का भविष्य बना दिया तो कई लोग उनके सहारे कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन जैसा कि ये गीत में बहुत पहले बताया जा चुका है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। श्रीनी का सूरज भी ढला, उन्हें बमुश्किल ही सही लेकिन बीसीसीआई से निकाल दिया गया और फिर वह लंबे वक्त के लिए नेपथ्य में चले गए। लेकिन क्या ये सच है? क्या श्रीनी मामा को क्रिप्टोनाइट दिखाकर छीण कर दिया गया? शायद नहीं। तभी तो रिपोर्ट्स का दावा है कि गांगुली का पत्ता साफ करने में श्रीनी का बड़ा रोल रहा है। साल 2020 से ही श्रीनी किसी तरह गांगुली को पछाड़ने की फिराक में थे। उस वक्त रेस आईसीसी प्रेसिडेंट की चेयर की थी और इस रेस में गांगुली के साथ श्रीनी को शामिल बताया गया था। लेकिन बाद में गांगुली ने बीसीसीआई में रुकना चुना और श्रीनी भी आईसीसी तक नहीं जा पाए। उस वक्त भी रिपोर्ट्स थी कि श्रीनिवासन को किसी ताकतवर केंद्रीय मंत्री का सपोर्ट है, और इस बार भी कहा जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री के घर हुई मीटिंग में श्रीनिवासन के कहने पर गांगुली की बीसीसीआई से छुट्टी की गई। गजब हाल है। इतना बताने के बाद भी सवाल वही है कि आखिर बीसीसीआई को चलाता कौन है? नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए एपिसोड शूट किया था जतिन ने।
शुक्रिया।